इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से ब्लैक आर्क लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करेंगे, वो भी अपने विंडो 11 के कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में। तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि ब्लैक आर्क लिनक्स क्या है, तो मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूं। ब्लैक आर्क लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है, एंड इसका यूज हम लोग हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी रिसर्च, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए करते हैं। इसमें पहले से ही काफी सारे प्री इंस्टॉल टूल है जो कि आपको हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग और साइबर सिक्योरिटी के बारे में रिसर्च करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। ब्लैक आर्क लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पे दो काम करना होगा। हमारा पहला काम होगा कि हम लोग अपने कंप्यूटर में वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करेंगे एंड फिर उसको इंस्टॉल करेंगे, एंड उसके बाद हमारा दूसरा काम होगा कि जो ब्लैक आर्क लिनक्स का ISO इमेज है उसको डाउनलोड करेंगे एंड फिर उसको वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। तो वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है, एंड यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे सर्च गूगल और टाइप URL, एंड यहाँ पे हम लोग लिख के सर्च करेंगे वर्चुअल बॉक्स। तो जो मैं लिख के सर्च कर रहा हूँ वही सेम चीज आप लोग यहाँ पे लिख के सर्च कर लेंगे वर्चुअल बॉक्स। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने वर्चुअल बॉक्स लिख के सर्च किया तो जो वर्चुअल बॉक्स का ऑफिशियल वेबसाइट था वो मेरे स्क्रीन पे आ गया, https://www.virtualbox.org Oracle VM वर्चुअल बॉक्स। जो आपको सबसे ऊपर में ये पहला लिंक दिख रहा है Oracle VM वर्चुअल बॉक्स, आप लोग इसी पे क्लिक करके वर्चुअल बॉक्स का ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्चुअल बॉक्स का ऑफिशियल वेबसाइट मेरे कंप्यूटर में ओपन हो गया, एंड इसका कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस है। तो अब हमें क्या करना है कि वर्चुअल बॉक्स को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में डाउनलोड बटन दिख जाएगा, तो आप लोग यहीं डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो जो वर्चुअल बॉक्स का डाउनलोड पेज था वो ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपको वर्चुअल बॉक्स काफी सारे प्लेटफॉर्म के लिए दिख रहा होगा। मीन्स अगर आप लोग यहाँ विंडो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ विंडो होस्ट पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे वर्चुअल बॉक्स का सेटअप फाइल, एंड अगर आप लोग एप्पल का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ मैक ओएस इंटेल होस्ट पे क्लिक करेंगे, एंड अगर आप लोग यहाँ लिनक्स का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करेंगे, एंड अगर आप लोग सोलरिस कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ सोलरिस होस्ट पे क्लिक करेंगे। गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं विंडो कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं विंडो होस्ट पे क्लिक करके डाउनलोड करूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं फिर से यहाँ पे क्रोम में आ गया, एंड मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ विंडो होस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। आप जो भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसी अकॉर्डिंग डाउनलोड करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ इसको विंडो होस्ट पे क्लिक कर दिया क्योंकि मैं विंडो कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने विंडो होस्ट पे क्लिक किया तो वर्चुअल बॉक्स का जो डाउनलोडिंग का प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया। देखिए मैं यहाँ डाउनलोड आइकन पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्चुअल बॉक्स मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक नया टैब क्रिएट कर ले रहा हूँ, एंड उसके बाद यहाँ ट्रिपल डॉट पे क्लिक करता हूँ, एंड फिर यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो वर्चुअल बॉक्स का सेटअप फाइल था वो मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो गया, एंड जो इसका सेटअप फाइल का साइज है वो 105 MB का है। तो 1 से 2 मिनट लगेगा, आप लोग यहाँ पे 1 से 2 मिनट का इंतजार कर लेंगे। तो गाइज हमारा जो पहला काम था वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करना वो हो गया, एंड इसके बाद हमारा दूसरा काम है कि हम लोग को क्या करना है कि ब्लैक आर्क लिनक्स का ISO इमेज को डाउनलोड करना है एंड उसको फिर वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करना है। तो चलिए हम लोग उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे एक नया टैब क्रिएट कर लेंगे एंड हम लोग यहाँ पे ब्लैक आर्क लिख के सर्च करेंगे। तो जो मैं लिख के सर्च कर रहा हूँ वही सेम चीज आप लोग यहाँ पे लिख के सर्च कर लेंगे ब्लैक आर्क लिनक्स। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने ब्लैक आर्क लिनक्स लिख के सर्च किया तो जो ब्लैक आर्क लिनक्स का ऑफिशियल वेबसाइट था वो मेरे स्क्रीन पे आ गया, https://blackark.org ब्लैक आर्क लिनक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आपको सबसे पहले वाले यहाँ पे लिंक दिख रहा है ब्लैक आर्क लिनक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसी पे क्लिक करके ब्लैक आर्क लिनक्स का ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने क्लिक किया ब्लैक आर्क लिनक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे तो जो ब्लैक आर्क लिनक्स का ऑफिशियल वेबसाइट था वो मेरे कंप्यूटर में ओपन हो गया, एंड ऐसा कुछ वेबसाइट का यूजर इंटरफेस है। आप लोग देख सकते हैं मैं इसको यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे आपको ब्लैक आर्क लिनक्स के बारे में लिखा हुआ दिख रहा होगा, मतलब कि इसका यूज किया। आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो इसको स्पेशली देख सकते हैं कि जो ब्लैक आर्क लिनक्स है वो आर्क लिनक्स बेस्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए और हैकिंग के लिए और सिक्योरिटी रिसर्च के लिए इसको स्पेशली बनाया गया है, एंड इसके रिपोजिटरी में आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2907 टूल है जो कि आपको हैकिंग, पेन टेस्टिंग और साइबर सिक्योरिटी रिसर्च में काफी आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। एंड यहाँ पे जो भी ब्लैक आर्क लिनक्स का मतलब यूजर इंटरफेस है, मतलब जब आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको इसका यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा इसका यूजर इंटरफेस है, डिजाइन है, ये सब इसका स्क्रीनशॉट है, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, एंड इसका कुछ यहाँ पे ऐसा फीचर है। तो हमें क्या करना है कि जो ब्लैक आर्क लिनक्स का ISO इमेज है उसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन दिखेगा, तो आप लोग सिंपल से यहाँ डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो जो ब्लैक आर्क लिनक्स का डाउनलोड पेज था वो ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जितने भी तरह के ISO इमेज है आपको सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख जाएगा ISO इमेज इसका जो कैटेगरी है, उसके बाद फिर आपको दिख जाएगा OBA इमेज, मतलब इसको वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करते हैं, बट हम लोग ये वाला इमेज डाउनलोड नहीं करेंगे, OBA इमेज वाला। अगर आप लोग OBA इमेज को डाउनलोड करके वर्चुअल बॉक्स में रन करेंगे तो उसमें आपको काफी टाइम लगेगा एंड एरर भी क्रिएट हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आपको ये ISO इमेज दिख रहा है इसी को डाउनलोड करके
वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करेंगे एंड फिर नीचे देखेंगे तो आपको आर्म का ऑप्शन दिख जाएगा, मतलब रैपिड वेरीफाई में इंस्टॉल करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसका ISO इमेज है ये सबसे ऊपर में आपको जो दिख रहा है इसको डाउनलोड करेंगे एंड फिर इसको वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करेंगे। तो आप लोग सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो आपको यहाँ ISO दिख रहा है आप लोग इसी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ ISO पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ब्लैक आर्क ISO एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा मतलब कि जो ब्लैक आर्क लिनक्स का जो ISO इमेज है इसमें भी इसका तीन वर्जन है। आपको पहला यहाँ पे अगर इसको पूरा पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पूरा डिटेल दिख जाएगा। पहला जो इसका ISO इमेज है वो फुल ISO इमेज है जो कि 22 GB का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा इमेज के नीचे में ब्लैक आर्क लिनक्स 64 bit फुल ISO एंड जो इसका साइज है वो 22 GB का है। एंड उसके बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे ब्लैक आर्क लिनक्स 64 bit स्लिम ISO जिसका साइज 5.5 GB का है। एंड एक और आपको दिख जाएगा ब्लैक आर्क लिनक्स 64 bit नेट इंस्टॉल ISO जो कि 815 MB का है। एंड मैं आपको तीनों में डिफरेंस बताता हूँ। जो सबसे पहला ISO इमेज है मतलब कि जो फुल ISO इमेज है जो कि 22 GB का है, इसमें आपको 2907 टूल मिल जाएंगे जो कि आपको हैकिंग, पेनेट्रेशन टेस्टिंग और जो भी आपको साइबर सिक्योरिटी रिसर्च करने के बारे में आपको रिसर्च करना है उसका सारा टूल आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल मिलेगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा दिख रहा है ब्लैक आर्क लिनक्स 64 bit स्लिम ISO जिसका साइज 5.5 GB है। इसमें क्या होगा कि जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टूल है और जो भी काफी पॉपुलर टूल है जो कि आपको हैकिंग और पेन टेस्टिंग में नीड है वो सारा इंपॉर्टेंट टूल ही होगा इसमें। मतलब कि जो बाकी सब और भी फालतू के टूल होते हैं ना वो सब आपको इसमें नहीं रहेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल एंड जो काफी जिसका ज्यादा जरूरत है वही सब आपको इसमें मिलेगा। एंड हम लोग क्या करेंगे कि जो ये 5.5 GB वाला ISO इमेज है इसी को डाउनलोड करेंगे क्योंकि इसको रन करने में भी आसानी होगा एंड ये डाउनलोड भी तुरंत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग 22 GB वाला डाउनलोड करते हैं तो इसका साइज काफी बड़ा है एंड आपके कंप्यूटर में रन करने के लिए भी इसको काफी स्पेस चाहिए। एंड जो सबसे नीचे वाला आपको दिख रहा है ब्लैक आर्क लिनक्स 64 bit नेट इंस्टॉल ISO इमेज जो कि 815 MB का है, ये काफी बेसिक यूज के लिए, मतलब इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपको ये सिर्फ नेट सर्फिंग के लिए मिलेगा और इसका यूज मेनली बूट स्ट्रैप मशीन के लिए होता है। तो सबसे बेस्ट यही होगा कि आप ब्लैक आर्क लिनक्स 64 bit स्लिम ISO को डाउनलोड करें जो कि 5.5 GB है, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट और पॉपुलर टूल मिल जाएंगे जो भी आपको हैकिंग, पेनेट्रेशन टेस्टिंग, साइबर सिक्योरिटी रिसर्च के जरूरत में होंगे। और ये आपको डाउनलोड करने में भी इजी होगा क्योंकि इसका साइज कम है, 5.5 GB है, तो ये तुरंत डाउनलोड हो जाएगा एंड इंस्टॉल करने में भी आपको इजी होगा। तो गाइज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ब्लैक आर्क लिनक्स 64 bit स्लिम ISO है इसी को डाउनलोड करेंगे 5.5 GB वाला। एंड थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ तो नीचे आएंगे तो अगर आपको यहाँ पे OBA इमेज दिख जाएगा, ये डायरेक्ट वर्चुअल बॉक्स में रन करने के लिए जिसका साइज 29 GB है। अगर आप लोग इसको डाउनलोड करके वर्चुअल बॉक्स में रन करते हैं तो ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो आप लोग इसको डाउनलोड नहीं करेंगे। एंड नीचे फिर आपको और भी बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे इसको इंस्टॉल करने के लिए और रन करने के लिए, तो ये सब काफी कॉम्प्लिकेटेड है। एंड उसके बाद फिर आपको मिल जाएगा आर्म के लिए, मतलब ये रैपिड वेरीफाई के लिए। तो हमें क्या करना है कि सबसे ऊपर भी आ जाएंगे एंड जो यहाँ पे हमें तीन ISO दिख रहा है तो हम लोग इसी में जो स्लिम वाला ISO है ब्लैक आर्क लिनक्स का इसी को डाउनलोड करेंगे। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल सी यहाँ ब्लैक आर्क लिनक्स 64 bit स्लिम ISO यहाँ जो आपको ये ब्लू कलर में दिख रहा है, जिसपे मैं माउस का कर्सर ला रहा हूँ तो थोड़ा सा डार्क ब्लू हो जा रहा है, तो आप लोग इसी पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने ब्लैक आर्क लिनक्स 64 bit स्लिम ISO पे क्लिक किया तो जो इसका डाउनलोडिंग का प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया। देखिए मैं यहाँ डाउनलोड आइकन पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्लैक आर्क लिनक्स का ISO इमेज था वो मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ डाउनलोड हिस्ट्री पे क्लिक कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्लैक आर्क लिनक्स का स्लिम वाला ISO इमेज है जिसका साइज 5.5 GB है वो मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो रहा है एंड इसको डाउनलोड होने में 15 मिनट का टाइम लगेगा। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो डाउनलोड था उसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। कैंसिल मैं इसलिए किया हूँ कि आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि जो ब्लैक आर्क लिनक्स का स्लिम वाला ISO इमेज था उसको मैं पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और मैं आपको सारा प्रोसेस तुरंत करके दिखा सकूं। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमें दो चीजों का जरूरत था वो दोनों हमारे पास है, वर्चुअल बॉक्स का सेटअप फाइल चाहिए था वो भी हमारे पास है एंड हमें ब्लैक आर्क लिनक्स का ISO इमेज चाहिए था वो भी हमारे पास है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को बारी बारी से इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वर्चुअल बॉक्स को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो ब्लैक आर्क लिनक्स का ISO इमेज है इसको वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करेंगे। तो गाइज हमारा पहला काम होगा कि हम लोग वर्चुअल बॉक्स को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। तो वर्चुअल बॉक्स को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आप लोग को यहाँ पे ये फाइल का साइन दिख रहा होगा सो इन फोल्डर का, तो आप लोग यहाँ सो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ सो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा एंड फाइल एक्सप्लोरर ओपन होने के बाद आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आप लोग को यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिख जाएगा, तो आप लोग यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने डाउनलोड किया है अपने कंप्यूटर में वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमने वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड किया था और ब्लैक आर्क लिनक्स का जो स्लिम वाला ISO इमेज है उसको डाउनलोड किया था, वो दोनों आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि वर्चुअल बॉक्स को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। तो वर्चुअल बॉक्स को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे आप लोग कि जो आपको ये वर्चुअल बॉक्स का सेटअप फाइल दिख रहा है इस पे आप माउस से डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो जैसे आप लोग माउस से इस पे डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे वर्चुअल बॉक्स के सेटअप फाइल पे, तो बेसिकली आपसे परमिशन मांगेगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज टू योर
डिवाइस बेसिकली ये स्क्रीन पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो ये आपको नहीं दिखेगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ यस पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप लोग इसको यहाँ यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लिख देगा प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल वेलकम टू ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स 7.0.20 सेटअप विजार्ड। तो आप लोग इसको यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप लोग इसको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका कस्टम सेटअप दिखा देगा। तो आप लोग इसको यहाँ फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद आपको ये बोलेगा वार्निंग नेटवर्क इंटरफेस। तो आप लोग इसको यहाँ यस पे क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद ये आपको यहाँ पे दिखाएगा मिसिंग डिपेंडेंसी पाइथन कोर Win32 API। तो आप लोग इसको यहाँ यस पे क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद आपको ये बोल रहा है कस्टम सेटअप। तो आप लोग इसमें सारे पे टिक मार्क कर देंगे एंड उसके बाद आप लोग इसको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड जैसे आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये दिखाएगा रेडी टू इंस्टॉल, मतलब ये इसका लास्ट प्रोसेस है। जैसे आप लोग इसको यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप लोग सिंपली यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया एंड जो इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था वो मेरे कंप्यूटर में स्टार्ट हो गया एंड ये आपके कंप्यूटर में मतलब 10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा, 10 से 15 सेकंड के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। एंड गाइज फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसने लिख दिया ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स 7.0.20 इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट, मींस जो ये वर्चुअल बॉक्स था वो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। एंड आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे इसको यहाँ फिनिश पे क्लिक कर देंगे एंड फिलहाल मैं जो ये मेरा फाइल एक्सप्लोरर था वो इसको मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वर्चुअल बॉक्स था वो मेरे कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। फिलहाल मैं इसको यहाँ से कट कर दे रहा हूँ एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वर्चुअल बॉक्स का शॉर्टकट की था वो यहाँ पे आ गया। एंड अगर आपके कंप्यूटर में यहाँ पे शॉर्टकट की नहीं आया तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको नीचे सर्च का बटन दिखेगा तो आप लोग यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स लिख के सर्च कर लेंगे। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने वर्चुअल लिखा तो जो वर्चुअल बॉक्स का ऐप था वो यहाँ पे आ गया। तो आप लोग यहाँ पे भी क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं एंड यहाँ पे भी क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं यही ऐप पे क्लिक करके इसको ओपन कर ले रहा हूँ। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्चुअल बॉक्स मेरे कंप्यूटर में ओपन हो गया एंड मैं इसको फुल स्क्रीन में कर ले रहा हूँ। तो जो हमारा पहला काम था वर्चुअल बॉक्स को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना एंड फिर उसको इंस्टॉल करना वो हो गया। एंड अब हमारा दूसरा काम है कि जो हमने ब्लैक आर्क लिनक्स का ISO इमेज को डाउनलोड किया है, आप लोग ये देख सकते हैं जो हमने ब्लैक आर्क लिनक्स का जो स्लिम वाला ISO इमेज डाउनलोड किया है इसको वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करना है। तो इसको वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग फिर से यहाँ शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया एंड उसके बाद आप लोग यहाँ डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो हमने ब्लैक आर्क लिनक्स का जो स्लिम वाला ISO इमेज है इसको डाउनलोड किया था जो। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा स्लिम वाला ISO इमेज है ब्लैक आर्क लिनक्स का इसको वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करेंगे। तो इसको वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आप लोग यहाँ वर्चुअल बॉक्स में आ जाएंगे। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं वर्चुअल बॉक्स में आ गया एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आप लोग यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे ये न्यू बटन दिखेगा तो आप लोग यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा वर्चुअल मशीन नेम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल कर रहे हो वर्चुअल बॉक्स में आपको उसका नाम देना है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करना है। मींस जो हमने ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ISO इमेज डाउनलोड किया है ब्लैक आर्क लिनक्स का, हम लोग को इसी को चूज करना है एंड इसका नाम देना है। तो देखिए मैं वर्चुअल बॉक्स में आ जा रहा हूँ एंड मैं नाम दे रहा हूँ, तो हम लोग ब्लैक आर्क लिनक्स को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ नाम में ब्लैक आर्क लिनक्स लिख देंगे। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ नेम में ब्लैक आर्क लिनक्स लिख दिया। आपको जो मर्जी है नाम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट बेटर हो कि आप लोग यहाँ ब्लैक आर्क लिनक्स लिख दे ताकि आपको याद रहे कि आपका ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब ये जो फोल्डर है इसी फोल्डर में आपका इसका सारा फाइल को इंस्टॉल करेगा। तो आप लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे दिखा रहा है ISO इमेज, तो ISO इमेज में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नॉट सिलेक्टेड। तो हमें क्या करना है कि जो हमने ISO इमेज को डाउनलोड किया ब्लैक आर्क लिनक्स का उसी को सिलेक्ट करना है। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए देखिए मैं फिर से फाइल एक्सप्लोरर में आ जा रहा हूँ। आप लोग ये देख सकते हैं कि जो हमारा ब्लैक आर्क लिनक्स का ISO इमेज है वो मेरा डाउनलोड सेक्शन में है। तो आप लोग यहाँ डाउनलोड सेक्शन में आ जाएंगे। देखिए मैं वर्चुअल बॉक्स में आ जा रहा हूँ एंड आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा ISO इमेज नॉट सिलेक्टेड। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे छोटा सा एरो दिखेगा, तो आप लोग यहाँ छोटा सा एरो पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ अदर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ अदर पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा एंड जो हमने ब्लैक आर्क लिनक्स का ISO इमेज डाउनलोड किया था वो डाउनलोड फोल्डर में था। तो आप लोग यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो आपने ब्लैक आर्क लिनक्स का ISO इमेज को डाउनलोड किया था। तो आप लोग इसको माउस से लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद इसको यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा ब्लैक आर्क लिनक्स का ISO इमेज था उसको इसने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसने टाइप में ऑटोमेटिकली लिनक्स ले लिया। अगर आपका ये टाइप में लिनक्स नहीं लिया तो आप लोग इसको यहाँ लिनक्स पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद ये यहाँ वर्जन दिख रहा है, तो वर्जन में ये मेरा ऑटोमेटिकली आर्क लिनक्स 64 बिट ले लिया। अगर आपका ये इस तरीके से ऑटोमेटिकली आर्क लिनक्स 64 बिट नहीं लिया है तो आप लोग इस पे क्लिक करके एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, आप लोग यहाँ आर्क लिनक्स 64 बिट पे क्लिक कर लेंगे। तो गाइज जो भी हमें यहाँ पे नाम देना था और ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना था वो मैंने चूज कर लिया एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे हार्डवेयर का ऑप्शन दिख जाएगा। तो हार्डवेयर में हम लोग को क्या करना है कि आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख जाएगा बेस मेमोरी। बेस मेमोरी बेसिकली हम लोग रैम को कहते हैं। तो जितना भी आपके कंप्यूटर में रैम होगा उसका आधा रैम आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ मेरे लिखे हुए 16384 MB, मतलब कि जो मेरा कंप्यूटर है इसमें 16 GB
जीबी रैम है, 1 जीबी रैम में 1024 MB होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे लिखे हुए 16384 MB। तो जितना भी आपका कंप्यूटर में रैम होगा उसका आधा आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो मेरे कंप्यूटर में 16 GB रैम है, तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 8 GB रैम प्रोवाइड कर दूंगा। 8 GB रैम में 8192 MB होता है, तो मैं इसको देखिए यहाँ 8192 MB पे ले जाके छोड़ दे रहा हूँ। एंड इस बात का आप लोग स्पेशली ध्यान रखेंगे कि जितना भी आपके कंप्यूटर में रैम होगा उसका आधा आप लोग इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे ताकि ये अच्छे से वर्क करे। ऐसा नहीं करेंगे कि आपके कंप्यूटर में मतलब जितना रैम है, मतलब मेरे कंप्यूटर में 16 GB रैम है, तो अगर आप लोग इसको पूरा रैम प्रोवाइड कर देंगे तो जो आपका होस्ट मशीन है, जो आपका ये विंडो है, उसको विंडो चलने में दिक्कत होगा। तो इस वजह से जितना भी आपके कंप्यूटर में रैम होगा उसके आधा ही प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके कंप्यूटर में 16 GB रैम है तो आप लोग इसको यहाँ 8 GB प्रोवाइड करेंगे, एंड अगर आपके कंप्यूटर में 8 GB रैम है तो आप लोग इसको यहाँ 4 GB प्रोवाइड करेंगे, एंड अगर आपके कंप्यूटर में 4 GB ही रैम है तो आप लोग इसको यहाँ 2 GB प्रोवाइड करेंगे। एंड उसके बाद फिर आपको नीचे यहाँ ऑप्शन दिख जाएगा प्रोसेसर का, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा प्रोसेसर है वो 8 CPU का है। तो जितना भी आपका पावर का प्रोसेसर होगा उसका आधा आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो मेरा ये 8 CPU का है, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ 4 CPU पे लाके छोड़ दे रहा हूँ। अगर आपका जो कंप्यूटर है वो 4 CPU का ही प्रोसेसर है तो आप लोग इसको यहाँ 2 CPU पे लाके छोड़ेंगे, एंड अगर आपके कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो 16 CPU का है तो आप लोग इसको यहाँ 8 CPU पे लाके छोड़ेंगे। तो मतलब जितना भी आपका रैम होगा आपके कंप्यूटर में उसके आधा आप लोग इसको प्रोवाइड कर देंगे, एंड जितना भी आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर होगा उसके आधा आप लोग इसको यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। एंड उसके बाद फिर आपको नीचे ऑप्शन दिख जाएगा इनेबल EFI स्पेशल OS ES ओनली, तो आप लोग इसको डिसेबल ही रहने देंगे, आप लोग इसको इनेबल नहीं करेंगे, आपको इसको यहाँ टिक नहीं करना है। एंड इस बात का आप लोग स्पेशली ध्यान रखेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप लोग इसको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वर्चुअल हार्ड डिस्क का ऑप्शन दिख जाएगा। मतलब अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसके लिए एक वर्चुअल हार्ड डिस्क को क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे पहले से ही ऑप्शन सिलेक्ट किए हुए क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ। तो एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये पहले से यहाँ पे 8 GB पे रखे हुए। आपको क्या करना है, जो इसका साइज है उसको बढ़ा के कम से कम 25-30 GB प्रोवाइड कर दे ताकि इसको रन करने में कोई दिक्कत ना हो और ये अच्छे से वर्क कर सके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ 25 GB प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, एंड आप चाहें तो आप इसको 25 GB से ऊपर भी स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब जितना भी आपके कंप्यूटर में स्पेस खाली है उस अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं दिस PC पे क्लिक करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर में 60 GB स्पेस खाली है, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे 25 GB का स्पेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपके कंप्यूटर में और ज्यादा स्पेस खाली है तो आप इसको और ज्यादा भी स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड अगर आपके कंप्यूटर में 25 GB से कम स्पेस खाली है तो आप लोग कुछ अपने कंप्यूटर से डिलीट कर ले, एंड इसको कम से कम आपको 25 GB प्रोवाइड करना है ताकि ये अच्छे से वर्क करे, प्रॉपर तरीके से चल सके। एंड अगर आप लोग चाहते हैं और ज्यादा इसको स्पेस देना तो आप लोग दे सकते हैं, मतलब जितना भी आपके कंप्यूटर में स्पेस खाली है उस अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, एंड उसके बाद आप लोग यहाँ इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप लोग इसको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये समरी दिखा देगा, मतलब कि आपने मशीन का क्या नाम दिया, मशीन कौन से फोल्डर में इंस्टॉल है, और जो आपने ISO इमेज सिलेक्ट किया है उसका आपको ये लोकेशन दिखा देगा, एंड फिर आपने इसको कितना रैम प्रोवाइड किया है, क्या प्रोसेसर प्रोवाइड किया है, क्या आपने डिस्क साइज प्रोवाइड किया है। तो आप लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, एंड उसके बाद आप लोग इसको यहाँ फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ फिनिश पे क्लिक करेंगे तो जो भी इंस्टॉलेशन का बेसिक सेटिंग था वो कंप्लीट हो गया, एंड अब आपको क्या करना है कि इसको स्टार्ट करना है, मतलब कि अभी इंस्टॉल ये नहीं हुआ, इसका जो भी बेसिक सेटिंग था वो कंप्लीट हुआ, अब हमें इसे इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आप लोग एक बार ब्लैक आर्क लिनक्स का जो यहाँ आपको ये बन गया है आइकन, आप लोग इसी पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एंड उसके बाद आप लोग इसको यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ इसको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया इसने पावरिंग VM अप, ये 10 से 15 सेकंड का टाइम लेगा, तो आप लोग यहाँ पे 10 से 15 सेकंड का इंतजार कर लेंगे। एंड गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, जो वर्चुअल बॉक्स में हमारा ब्लैक आर्क लिनक्स का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया। देखिए फिलहाल मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ, एंड इसको मैं फुल स्क्रीन में कर ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा ब्लैक आर्क लिनक्स स्लिम ISO, तो आपको इसी पे इंटर बटन दबाना है सबसे ऊपर वाला पे, एंड ये काम आपको 10 सेकंड के अंदर करना है। अगर ये नहीं क्लिक करेंगे इंटर बटन सबसे ऊपर वाला पे तो ये ऑटोमेटिकली जो सबसे ऊपर वाला है उसी पे ये इंटर बटन दब जाएगा। आप इंटर बटन दबाएं या ना दबाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप लोग 11 सेकंड के अंदर नहीं दबाएंगे तो जो सबसे ऊपर वाला था उसी पे दब जाएगा। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया, तो आपको यहाँ पे 1 मिनट का इंतजार करना होगा, तो आप लोग यहाँ पे 1 मिनट का इंतजार कर लेंगे। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 मिनट के इंतजार करने के बाद जो ब्लैक आर्क लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम था वो मेरे कंप्यूटर में स्टार्ट हो गया है, ये अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है। बेसिकली ये मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है इसमें लॉग इन करने के लिए, तो जो इसका मेन यूजर है वो लाइव यूजर है, तो अब मेरे को यहाँ पे पासवर्ड डालना है। जो इसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है वो ब्लैक आर्क है, तो आप लोग यहाँ पे ब्लैक आर्क लिख देंगे, एंड सारा पासवर्ड स्मॉल कैरेक्टर है, तो आप लोग सारे कुछ यहाँ पे स्मॉल में लिखेंगे ब्लैक आर्क, एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ब्लैक आर्क लिनक्स था वो मेरे कंप्यूटर में ओपन हो गया। एंड गाइज ये आपको यहाँ पे छोटा स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो अब हमें क्या करना है, इसको फुल स्क्रीन में करना है। तो फुल स्क्रीन में करने के लिए आपको आपके कीबोर्ड में डू कंट्रोल बटन दिखेगा, तो जो राइट साइड का कंट्रोल की है उसको दबाएंगे और F बटन
बटन को एक साथ दबाएंगे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ राइट कंट्रोल की और एफ बटन को एक साथ दबाएंगे तो आपसे फुल स्क्रीन में करने का परमिशन मांगेगा, तो आप लोग यहाँ इसको स्विच पे क्लिक कर देंगे। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा ब्लैक आर क्लिनक्स था वो फुल स्क्रीन में हो गया एंड मैं फिलहाल इसको यहाँ से ये कट कर रहा हूँ एंड ये देख सकते हैं कि ये ब्लैक आर क्लिनक्स मेरे कंप्यूटर में चल रहा है वर्चुअल बॉक्स में एंड ये बेसिकली अभी तक मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हुआ है। ये बेसिकली आपको यूज करने के लिए दिया गया है कि अगर आप लोग इसको बिना इंस्टॉल किए हुए यूज करके देखना चाहते हैं तो यूज करके देख सकते हैं एंड अगर आपको ये पसंद आता है तो आप लोग चाहें तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली आपको इसमें यहाँ पे ये टर्मिनल दिख जाएगा एंड फिर अगर आप लोग मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको इसमें जितना भी इसका सॉफ्टवेयर है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए हैकिंग के लिए वो सारे कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आप लोग इसको यहाँ ब्लैक आर्क पे क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ ब्लैक आर्क पे क्लिक किया तो जो भी इसका सॉफ्टवेयर है वो आपको दिख जाएगा। पहले आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं क्रैकर के लिए मतलब जो भी क्रैकिंग के लिए सॉफ्टवेयर का यूज होता है वो सब आपको दिख जाएगा। जो भी डिबगिंग के लिए सॉफ्टवेयर है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा अगर आप लोग यहाँ डिबगिंग पे क्लिक करते हैं और जो भी फिर रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए सॉफ्टवेयर है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा अगर आप लोग यहाँ रिवर्सिंग पे क्लिक करते हैं। तो आपको यहाँ पे सारा सॉफ्टवेयर दिख जाएगा अगर आपको हैकिंग सीखना है पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखना है अगर आपको वाईफाई हैक करना है तो सारे सॉफ्टवेयर आपको इसमें प्री इंस्टॉल मिल जाएगा जो कि आपको काम को काफी आसान बना देगा। तो गाइज ये बेसिकली आपको यूज करके देखने के लिए दिया गया है कि आप लोग बिना इंस्टॉल करके इसको यूज कर सकते हैं रन कर सकते हैं एंड अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है इसको इंस्टॉल करना है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे इंस्टॉल ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंस्टॉल ब्लैक आर्क का बटन दिख जाएगा तो आप लोग सिंपल सी यही इंस्टॉल ब्लैक आर्क पे माउस से डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ इंस्टॉल ब्लैक आर्क पे क्लिक करेंगे माउस से डबल लेफ्ट क्लिक तो बेसिकली आपसे परमिशन मांगेगा किसको ये ऑथेंटिकेशन चाहिए इसको रन करने के लिए। तो जो भी आपका पासवर्ड है पासवर्ड डाल देंगे एंड मैंने आपको बाय डिफॉल्ट पासवर्ड बता दिया था कि जो इसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है वो ब्लैक आर्क ही है तो आप लोग यहाँ पे ब्लैक आर्क लिख देंगे एंड सारा स्मॉल कैरेक्टर है तो आप लोग सारे स्मॉल में ही लिखेंगे ब्लैक आर्क एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप लोग इसको यहाँ ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे तो जो इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो आपके कंप्यूटर में स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसने लिख दिया वेलकम टू ब्लैक आर्क लिनक्स इंस्टॉलर एंड यहाँ पे लैंग्वेज में ये अमेरिकन इंग्लिश है तो आप लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे एंड उसके बाद आप लोग यहाँ इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रीजन चूज करना है और ये आपका टाइम जोन चूज करना है। बेसिकली जो हमारा रीजन है वो एशिया है तो आप लोग इसको यहाँ एशिया पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड जो हमारा टाइम जोन है वो कोलकाता है तो आप लोग इसको यहाँ कोलकाता पे चूज कर लेंगे। मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ तो इस वजह से ऑटोमेटिकली मेरा रीजन और टाइम जोन को सिलेक्ट कर लिया। अगर आपका रीजन और टाइम जोन कुछ और दिखा रहा तो रीजन में आप लोग एशिया चूज कर लेंगे और जो ये टाइम जोन है आप लोग इसमें कोलकाता चूज कर लेंगे एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप लोग इसको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर कीवर्ड का ऑप्शन दिख जाएगा तो कीवर्ड में आप लोग इसको यहाँ इंग्लिश यूएस पे ही रहने देंगे एंड इधर इसको डिफॉल्ट में ही रहने देंगे एंड उसके बाद आप लोग इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमने वर्चुअल बॉक्स का हार्ड ड्राइव क्रिएट किया था मतलब कि वर्चुअल हार्ड ड्राइव क्रिएट किया था 25 GB का वो आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा एंड यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा इरेज डिस्क और मैनुअल पार्टिशनिंग का तो आप लोग इसको यहाँ क्या करेंगे कि इसको इरेज डिस्क पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ इरेज डिस्क पे सिलेक्ट करेंगे तो होगा क्या कि जो हमने वर्चुअल हार्ड ड्राइव क्रिएट किया है इसको ये फॉर्मेट करेगा मतलब सारे को इरेज करेगा आपका ये विंडो को कुछ नहीं करेगा एंड ना ही आपका ये हार्ड डिस्क को कुछ करेगा। जो हमने वर्चुअली 25 GB का स्पेस क्रिएट किया है ये उसको फॉर्मेट करेगा एंड उसमें ये सारे को इंस्टॉल करेगा। तो आप लोग इसको यहाँ इरेज डिस्क पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद आपको यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन दिखेगा तो आप लोग इसको यहाँ नो स्वैप पे ही रहने देंगे एंड फिर इसको यहाँ EXT4 पे ही रहने देंगे एंड इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। बेसिकली आपको यहाँ पे ये इनक्रिप्ट सिस्टम दिखा रहा होगा अगर आपको ये जो हम ब्लैक आर्क इंस्टॉल कर रहे हैं इसको इनक्रिप्ट करना तो आप चाहें तो कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग इसको इनक्रिप्ट भी नहीं करेंगे इसको ऐसे ही रहने देंगे तो आप लोग यहाँ इनक्रिप्ट सिस्टम पे टिक मार्क नहीं करेंगे बस सिंपल से आप लोग यहाँ रेड डिस्क पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसको नो स्वैप और EXT4 पे रहने देंगे एंड हम लोग इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे एंड उसके बाद आप लोग यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये यूजर डिटेल पूछेगा तो आप लोग को यहाँ पे यूजर डिटेल एंटर करना है। तो सबसे पहले आपसे ये नाम पूछेगा तो आपका जो भी नाम है आप लोग अपना नाम इंटर कर देंगे तो मेरा नाम अमन है तो मैं यहाँ पे अमन लिख दिया एंड यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूँ जो आप अपना नाम देंगे वही आपका ये लॉगिन डिटेल बना देगा मतलब कि जब आपके ये कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा तो आपसे ये आपका आईडी और पासवर्ड मांगेगा तभी लॉगिन होगा। अगर आप लोग यहाँ पे आईडी और पासवर्ड गलत देंगे तो आपका ये लॉगिन नहीं होगा मतलब ये स्टार्ट ही नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आप लोग क्या यूजर नेम दे रहे हैं एंड क्या पासवर्ड दे रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा नाम है अमन मैंने लिखा तो यहाँ पे इसने जो मेरा लॉगिन में मेरा नाम को ही इसने मेरा लॉगिन आईडी
बना दिया। एंड उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पे पासवर्ड चूज कर लेना है। पासवर्ड आपको जो मर्जी आप वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 123 लिख दे रहा हूँ। एंड फिर ये बोल रहा है रिपीट पासवर्ड, तो रिपीट पासवर्ड में भी मैं 123 लिख दे रहा हूँ। एंड उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप लोग इसको यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे, यूज द सेम पासवर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, आप लोग इसको यहाँ टिक मार्क कर देंगे। एंड जो बीच वाला है लॉग इन ऑटोमेटिकली विदाउट आस्किंग फॉर द पासवर्ड, इसको अनटिक ही रहने देंगे। एंड जो आपका लॉग इन आईडी है, मतलब जो मैंने नाम दिया उसने मेरा नाम को ही लॉग इन आईडी बना दिया। जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपके कंप्यूटर में, जो भी आपने नाम दिया होगा वही यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, तो वही आपका लॉग इन आईडी होगा। जब आपके कंप्यूटर में ये ब्लैक आर्क लिनक्स इंस्टॉल हो जाएगा तो आप लोग यही जो आपका लॉग इन आईडी है वो लॉग इन आईडी और पासवर्ड इंटर करेंगे तभी ये ओपन होगा, अदरवाइज ये आपका ओपन नहीं होगा। तो आप लोग अपने लॉग इन आईडी और पासवर्ड को याद रखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपना लॉग इन आईडी और पासवर्ड को सेट कर लिया। एंड जो मेरा लॉग इन आईडी है वो ये अमन है, एंड पासवर्ड मैंने आपको बता दिया है कि मैंने 123 दिया है। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपको ये समरी दिखाएगा कि आपने क्या लोकेशन सेट किया है, क्या कीबोर्ड सेट किया है, क्या पार्टीशन सेलेक्ट किया, तो इन सब डिटेल को ऐसे ही रहने देंगे। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप लोग इसको यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा ब्लैक आर्क लिनक्स था वो मेरे वर्चुअल बॉक्स में 8% इंस्टॉल हो गया है। एंड इसको 100% इंस्टॉल होने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। एंड ये कितना देर में आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, मीन्स आपके वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल होगा, ये बेसिकली आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अगर आपका कंप्यूटर में i5 प्रोसेसर है एंड 16 GB रैम है तो ये 15 से 20 मिनट का टाइम लेगा। एंड अगर आपके कंप्यूटर में मीन्स i3 प्रोसेसर है और 8 GB रैम है या फिर 4 GB रैम है तो ये लगता है 30 से 35 मिनट का भी टाइम ले सकते हो। मीन्स ये कितना देर टाइम लेगा बेसिकली ये आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। मेरा जो ये कंप्यूटर है ये i5 प्रोसेसर है इसमें एंड 16 GB रैम है, तो इस वजह से ये 15 से 20 मिनट का टाइम लेगा। एंड जब इसका ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, जब ये 100% कंप्लीट हो जाएगा, देन मैं वहां से वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तब तक आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 15 से 20 मिनट का इंतजार कर लेंगे। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्लैक आर्क लिनक्स का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था वर्चुअल बॉक्स में वो मेरे कंप्यूटर में कंप्लीट हो गया है। एंड इसको होने में 15 मिनट का टाइम लगा। एंड इसने यहाँ पे लिख दिया ऑल डन। एंड आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे इसने लिखे हुए ब्लैक आर्क लिनक्स हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। एंड यहाँ पे ये बोल रहा है रीस्टार्ट करने के लिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको रीस्टार्ट नहीं करेंगे। तो जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है रीस्टार्ट नाउ, तो आप लोग यहाँ इसको अनटिक कर देंगे। इस तरीके से आप लोग स्पेशली याद रखेंगे, आप लोग इसको रीस्टार्ट नाउ को अनटिक कर देंगे। एंड उसके बाद आप लोग इसको डन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ इसको डन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा लाइव वाला ब्लैक आर्क लिनक्स था अभी वही चल रहा है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि जो हमने इंस्टॉल किया है तो उससे इसको कनेक्ट करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, पहले इसको बंद करना होगा। तो इसको बंद करने के लिए आपको यहाँ पे कॉर्नर में यहाँ पे दिखेगा लाइव यूजर का बटन, तो आप लोग इसको यहाँ लाइव यूजर पे क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद आप लोग इसको यहाँ शट डाउन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ शट डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू शट डाउन, तो आप लोग इसको यहाँ शट डाउन पे क्लिक कर देंगे। तो फिलहाल गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा ब्लैक आर्क लिनक्स था वो मेरे कंप्यूटर में मीन्स मेरे वर्चुअल बॉक्स में वो बंद हो रहा है। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा ब्लैक आर्क लिनक्स था वो मेरे वर्चुअल बॉक्स में बंद हो गया। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि फिर से वर्चुअल बॉक्स में आ जाएंगे। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं वर्चुअल बॉक्स में आ गया हूँ। एंड जो अभी तक मेरा चल रहा था वो मेरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, बट जो मेरा लाइव वाला इमेज था मतलब कि जो बिना इंस्टॉल किए हुए चलता है अभी वही चल रहा था। अब हमें क्या करना है कि जो हमने इंस्टॉल किया उसके साथ इसको कनेक्ट करना है। तो उसके साथ इसको आपको कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा कि आप लोग एक बार यहाँ ब्लैक आर्क लिनक्स पे क्लिक कर लेंगे। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ सेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपका इसका सेटिंग पेज ओपन हो जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि स्टोरेज पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन दिख जाएगा। तो अभी जो हमारा चल रहा था ये देख सकते हैं, ये जो ब्लैक आर्क लिनक्स वाला स्लिम वाला ये इमेज है इसी पे चल रहा था जो कि लाइव चल रहा था। बट अब हमें क्या करना है कि जो हमने इंस्टॉल किया है, देखिए जो हमने इंस्टॉल किया है वो ये वाला है ब्लैक आर्क लिनक्स .vdi। तो अब हमें इसको इस पे रन करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरा पहले से ISO इमेज पे चल रहा था वर्चुअली मतलब लाइव, हम लोग इसको रिमूव करेंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि आप लोग यहाँ ये जो कंट्रोलर ID के नीचे आपको यहाँ दिख रहा है ब्लैक आर्क लिनक्स स्लिम, आप लोग इस पे सिलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे ये सर्कल का साइन दिखेगा एंड इसके नीचे आपको ये छोटा सा एरो दिखेगा, तो आप लोग इसी छोटे से सर्कल पे क्लिक करेंगे इस एरो पे। एंड इसके बाद आप जैसे ही आप लोग इस सर्कल के छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा रिमूव डिस्क फ्रॉम वर्चुअल ड्राइव। तो आप लोग यहाँ पे रिमूव डिस्क फ्रॉम वर्चुअल ड्राइव पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग यहाँ रिमूव डिस्क फ्रॉम वर्चुअल ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो जो आपको यहाँ कंट्रोलर आईडी के
नीचे आप लोग को यहाँ ब्लैक आर्क लिनक्स का ISO इमेज दिख रहा था वो हट जाएगा। एंड अब हम लोग जैसे ही अब इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारा इस पे स्टार्ट हो जाएगा जो हमने अभी इंस्टॉल किया है ब्लैक आर्क लिनक्स .vdi पे। एंड ये प्रोसेस आप लोग स्पेशली करेंगे, जब तक ये सेटिंग आप नहीं करेंगे तब तक आपका ये जो आपने इंस्टॉल किया है ब्लैक आर्क लिनक्स का ISO इमेज उस पे नहीं ये चलेगा। तो आप लोग इस तरीके से इसको रिमूव कर देंगे एंड उसके बाद आप लोग इसको यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको ओके पे क्लिक कर दिया एंड उसके बाद अब मैं अगर इसको स्टार्ट करूंगा तो जो मैंने ब्लैक आर्क लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल किया है अब वो स्टार्ट होगा। देखिए मैं यहाँ ब्लैक आर्क लिनक्स पे क्लिक करके सेलेक्ट कर ले रहा हूँ एंड इसको देखिए यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो फिलहाल ये मेरे कंप्यूटर में स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे इसने लिख दिया पावरिंग VM अप, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा मतलब 10 से 15 सेकंड का, तो आप लोग यहाँ पे 10 से 15 सेकंड का वेट कर लेंगे। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा वर्चुअल बॉक्स में स्टार्ट हो गया है एंड यहाँ पे इसने लिख दिया ब्लैक आर्क लिनक्स एंड नीचे आपको दिख रहा होगा एडवांस ऑप्शन फॉर ब्लैक आर्क लिनक्स। आपको 5 सेकंड के अंदर जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन था ब्लैक आर्क लिनक्स उसी पे एंटर बटन दबाना था। अगर आप लोग 5 सेकंड के अंदर एंटर बटन नहीं दबाएंगे सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन था ब्लैक आर्क लिनक्स तो ये ऑटोमेटिकली उसी पे एंटर बटन दब जाएगा। आप एंटर बटन दबाएं या ना दबाएं इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये आपका जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन था ब्लैक आर्क लिनक्स उसी पे ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा ब्लैक क्लिनिक्स था वो वर्चुअल बॉक्स में स्टार्ट हो गया जो मैंने अभी इंस्टॉल किया था। फिलहाल मैं इसको यहाँ से कट कर दे रहा हूँ एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपना यूजर नेम दिया था अमन, वो यहाँ पे अमन वाला ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। एंड अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर कर देना है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने अपने पासवर्ड में 123 लिखा था, तो मैं यहाँ पे 123 लिख दे रहा हूँ एंड मैं यहाँ लॉग इन पे क्लिक करूंगा एंड जो आपने अपने पासवर्ड में लिखा है आप लोग वो यहाँ पे पासवर्ड में इंटर कर देंगे एंड उसके बाद लॉग इन क्लिक कर देंगे। एंड अगर आप लोग पासवर्ड गलत इंटर करेंगे तो आपका ये लॉग इन नहीं होगा। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने लॉग इन पे क्लिक कर दिया एंड ये जो मेरा ब्लैक आर्क लिनक्स है वो मेरे कंप्यूटर में वर्चुअल बॉक्स में स्टार्ट हो रहा है एंड इसको थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि ये पहली बार स्टार्ट हो रहा है। एंड गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्लैक आर्क लिनक्स था वो मेरे कंप्यूटर में स्टार्ट हो गया एंड इसका कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस है। आपको यहाँ पे काफी सारे टूल मिल जाएंगे, जो भी आपको हैकिंग सीखना है, अगर पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखना है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में सीखना है तो आपको इसमें बहुत सारे प्री इंस्टॉल टूल मिल जाएंगे। एंड अगर आपको बेसिक इसका यूज करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे नीचे आपको मेन्यू बटन दिख जाएगा, तो आप लोग जैसे ही मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये टर्मिनल का भी ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आप लोग यहाँ फेवरेट में आते हैं तो आपका ये टर्मिनल एम्यूलेटर है, आप लोग यहाँ इस तरीके से टर्मिनल को यहाँ पे ले आएंगे। देखिए मैं यहाँ पे टर्मिनल ले आया एंड मैं आपको टर्मिनल को ओपन करके दिखाता हूँ। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने टर्मिनल पे डबल लेफ्ट क्लिक किया तो जो मेरा टर्मिनल था वो ओपन हो गया एंड मैं इसको फुल स्क्रीन में कर ले रहा हूँ। एंड बेसिकली यही टर्मिनल है जहाँ पे आप लोग पेन टेस्टिंग और हैकिंग जो भी आपको करना कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सिंपल सी कमांड लिखता हूँ ls एंड यहाँ पे एंटर बटन दबाता हूँ तो जो भी इसका मतलब कि ls में जो भी फाइल फोल्डर है वो आपको दिखा देगा एंड आपको जो भी करना है बेसिकली हैकिंग सीखना है तो बेसिकली सभी लोग टर्मिनल में ही वर्क करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे MSF कंसोल लिखता हूँ तो जो मेरा मेटास्प्लॉइट है वो ओपन हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे MSF कंसोल लिख दिया एंड मैंने एंटर बटन दबा दिया। ये बेसिकली कमांड है मेटास्प्लॉइट को स्टार्ट करने के लिए एंड इसको स्टार्ट होने में 1 मिनट का टाइम लगेगा, तो आप लोग यहाँ पे 1 मिनट का वेट कर लेंगे। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा मेटास्प्लॉइट था वो मेरे कंप्यूटर में स्टार्ट हो गया एंड बेसिकली जो ये मेटास्प्लॉइट है ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग और हैकिंग के लिए करते हैं। तो फिलहाल मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ करके अभी नहीं दिखाऊंगा, मैं इसको यहाँ मिनिमाइज कर दिया। एंड अगर मैं फिर से यहाँ मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ये फेवरेट में फायरफॉक्स ब्राउजर भी दिख जाएगा। अगर आपको नॉर्मली इंटरनेट यूज करना है तो आप लोग यहाँ फायरफॉक्स को भी ओपन कर सकते हैं। एंड अगर फिर आप यहाँ ऑल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, आपको जो भी करना है। फिर आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे बर्बसूट मिल जाएगा जिसके थ्रू हम लोग वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। फिर आपको नीचे अगर और भी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको काफी सारे टूल मिल जाएंगे वाईफाई हैकिंग के लिए, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, सॉफ्टवेयर क्रैकिंग के लिए, रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए, आपको इसमें काफी सारा मिल जाएगा। तो आपको जो भी इसमें करना है उस अकॉर्डिंग आप लोग अपना यहाँ टूल चूज कर सकते हैं एंड आप लोग यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। एंड अगर आपको फिर से इसको फुल स्क्रीन में करना है तो आप लोग राइट कंट्रोल की और F बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पे ये फुल स्क्रीन में करने का परमिशन मांगेगा, तो आप लोग यहाँ पे स्विच पे क्लिक कर देंगे तो आपका इस तरीके से ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा। एंड अगर आपको फिर से छोटा स्क्रीन में करना है तो आप लोग फिर से वही सेम काम करेंगे, राइट कंट्रोल की और F बटन को दबाएंगे तो आपका ये छोटा स्क्रीन में आ जाएगा। एंड इस तरीके से आप लोग दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ यूज कर सकते हैं। अगर आपको विंडो यूज करना है तो आप सिंपल से इसको यहाँ मिनिमाइज करके विंडो को भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे विंडो पे आ गया। एंड अगर आपको फिर से ब्लैक आर्क लिनक्स को यूज करना है तो आप लोग यहाँ ब्लैक आर्क लिनक्स को भी यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसको बंद करना है तो बंद करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे नीचे सबसे नीचे यहाँ कॉर्नर में मेरा आपको यहाँ पे नाम दिख जाएगा अमन, आप में आपका नाम दिखेगा या फिर जो भी आपने नेम दिया होगा, तो आप लोग यहीं पे क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद आपको यहाँ शट डाउन का ऑप्शन दिख जाएगा तो आप लोग यहाँ शट डाउन पे क्लिक करेंगे। तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है तो आप लोग इसको यहाँ शट डाउन पे क्लिक कर दे। तो बेसिकली ये क्या हुआ कि जो ब्लैक आर्क लिनक्स था वो मेरे कंप्यूटर में बंद हो गया। एंड अगर आपको इसको फिर से दोबारा स्टार्ट करना है तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से आप लोग यहाँ ब्लैक आर्क लिनक्स पे क्लिक करेंगे एंड स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। एंड अब आपको इसमें कोई सेटिंग नहीं चेंज करना है, आप सिंपली इसको स्टार्ट पे क्लिक करें एंड जो भी आपको करना है आप उसको उस तरीके से इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्लैक आर्क लिनक्स था वो मेरे कंप्यूटर में दोबारा स्टार्ट हो गया। फिलहाल मैं आपको अब लॉगिन करके नहीं दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया कि हम लोग किस तरीके से ब्लैक आर्क लिनक्स को अपने विंडो 11 के कंप्यूटर में डाउनलोड करेंगे एंड फिर उसको इंस्टॉल करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।